वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे और इस टॉपिक का नाम क्या हम लोग बोलेंगे, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। वही मैंने यहाँ पर लिखा, आप देख सकते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSIR नेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं बिल्कुल डिटेल में ये टॉपिक को बताने जा रहा हूँ और कहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं ये भी मैं बताऊंगा। हाँ, तो क्वेश्चन ये आता है अभी यहाँ पर कि ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग इसमें क्या क्या टॉपिक्स को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है कि जब भी कभी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म हम लोग स्टडी करेंगे तो हम लोग क्या क्या टॉपिक स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेकानिज्म क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, और इसमें जो एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, वो कैसे करके काम करता है। ठीक है, यहाँ पर ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग राइजोबियम लिग्यूम सिम्बायोसिस देखेंगे कि क्या होता है, मैं डिटेल में बताऊंगा, सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। फिर हम लोग देखेंगे कि नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है प्लांट के रूट के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट बाय प्लांट रूट, इसका मतलब कि नाइट्रोजन का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो किस फॉर्म में होगा, नाइट्रेट के फॉर्म में होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है NO3-। ठीक है, याद रखना, ये मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर एसिमिलेशन देखेंगे। ये एसिमिलेशन क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कैसे होता है, वो भी मैं बताऊंगा, कहाँ होता है ये भी मैं बताऊंगा, और किसका होता था हम लोग बोलेंगे अमोनिया का या अमोनियम आयन का। ठीक है, उसके बाद लास्ट में फिर हम लोग क्या देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोसोफिकेशन, एनामॉक्स, ये सब हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड क्या एसोसिएटेड बैक्टीरियाज है, ये सब सारा का सारा हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो भी बताऊंगा उसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ और एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, डायग्राम के साथ करूंगा, और ये बहुत आसान है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या स्टडी करेंगे, अभी हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो ध्यान से, ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसका एक मतलब क्या, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, डिटेल में हम स्टडी करते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है, बहुत आसान है, देखो क्या चीज है, याद रखना यहाँ पर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म टॉपिक का नाम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर टर्म आ रहा है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म टर्म आ रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर टर्म आ रहा है जी हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन। ठीक है, क्या आ रहा है, नाइट्रोजन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, किसके लिए हम लोग बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, चाहे वो प्लांट्स रहे, चाहे वो एनिमल्स रहे, चाहे कोई सा भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है ये जो नाइट्रोजन है ये प्लांट्स के लिए या एनिमल के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पर देखना, हम लोग यहाँ पर प्लांट के बिहाफ में स्टडी कर रहे हैं, तो अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर प्लांट्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट का अगर हम लोग सेल को देखेंगे, ठीक है, प्लांट का अगर हम लोग सेल को देखेंगे तो प्लांट सेल में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस होगा। ठीक है, याद रखना है, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा। और अगर इस डीएनए को देखेंगे तो इस डीएनए में क्या मिलेगा, हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस मिलेगा। नाइट्रोजिनस बेसिस का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्यूरीन पाइरिमिडिन। ठीक है, अब इस प्यूरीन एंड पाइरिमिडिन को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे इसमें क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग बोलेंगे प्लांट्स के सेल में जो डीएनए होता है, डीएनए में क्या मिलता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन कहां से आ रहा है, तो ये नाइट्रोजन आ रहा है हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेयर से। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे आरएनए का, ठीक है, जब प्लांट से डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे आरआरएनए, या हम लोग बोलेंगे टीआरएनए या आरआरएनए, या हम लोग बोलेंगे कोई सा भी आरएनए को अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें भी क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे उसमें भी मिलेगा नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन कहां से आ रहा है, ये नाइट्रोजन आ रहा है हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेयर से। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है, अगर हम लोग प्रोटीन्स को देखेंगे, ठीक है, तो प्रोटीन्स में भी क्या मिलता है, हम लोग बोलेंगे क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। तो ये नाइट्रोजन कहां से आ रहा है, हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेयर से।
सिमिलरली अगर हम लोग एमिनो एसिड्स को देखेंगे, एमिनो एसिड्स में भी क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन मिलेगा। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से आ रहा है, हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेयर से, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम लोग देखेंगे प्लांट्स के केस में, अगर हम लोग फाइटो हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे तो उसमें भी क्या मिलेगा, हम लोगों को नाइट्रोजन मिलेगा। तो वो नाइट्रोजन कहाँ से आ रहा है, हम लोग बोलेंगे प्लांट से आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में भी क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन मिलेगा। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से आया, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन आया एटमॉस्फेयर से। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे प्लांट क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी बनाता है, मेटाबोलाइट्स। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है, डिटेल में पढ़ाऊंगा, जिसको हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। तो ये सब जो रहता है इसमें भी क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ये सब में भी क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। तो ये प्लांट्स नाइट्रोजन को कहां से ले रहा है, तो हम लोग बोलेंगे प्लांट्स नाइट्रोजन को कहां से ले रहा है, तो नाइट्रोजन का एकमात्र क्या सोर्स है, हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेयर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। तो ध्यान से देखो, प्लांट्स में जहां जहां हम लोग बोलेंगे डीएनए, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, फाइटो हार्मोन्स, या हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल, या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ये सब में जो नाइट्रोजन आया वो कहां से आया, हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेयर से आया, याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि द ओनली सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, हम लोग जानते हैं। और एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, हम लोग बोलेंगे 78% क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है, याद रखना है, ठीक है। तो अब आप देखो मैं यहाँ पर क्या लिखा हूं, मैं यहाँ पर लिखा हूं कि जो नाइट्रोजन एलिमेंट होता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग प्लांट के भी हाफ में स्टडी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आता है क्यों नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो एलिमेंट होता है वो प्लांट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो हम लोग बोलेंगे बिकॉज जो नाइट्रोजन एलिमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है प्लांट के डीएनए में, प्लांट के आरएनए में, प्लांट्स के एमिनो एसिड्स में, प्रोटीन्स में, फाइटो हार्मोन्स में, क्लोरोफिल में, एंड हम लोग बोलेंगे मेनी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, ठीक है। सब में क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा। तो क्वेश्चन आता है अब ये नाइट्रोजन आया कहां से, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि द ओनली सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब एटमॉस्फेयर ही एक ऐसा हम लोग बोलेंगे सोर्स है जहां से ये नाइट्रोजन कहां आ रहा है, हम लोग बोलेंगे प्लांट्स में आ रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, देखो ध्यान से, यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है ना वो प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में, हम लोग बोलेंगे अनयूजेबल फॉर्म में। मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, यहां पर मैं बता रहा हूं, देखो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है वो प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे अनयूजेबल फॉर्म। तो ये अनयूजेबल फॉर्म का मतलब क्या है, देखो ध्यान से याद रखना, प्लांट नाइट्रोजन को कहां से ले पाएगा, हम लोग बोलेंगे एकमात्र सोर्स क्या है, हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। अब यहां पर समझना, देखो ध्यान से, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे वो प्रेजेंट है अनयूजेबल फॉर्म में प्रेजेंट है। किस फॉर्म में प्रेजेंट है, अनयूजेबल फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब इस नाइट्रोजन का प्लांट नहीं यूज कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में, हम लोग बोलेंगे अनयूजेबल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अब इसको अनयूजेबल फॉर्म क्यों बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं, देखना यहां पर ध्यान से, सबसे पहला थिंग ये दिमाग में रखना कि जो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको हम लोग इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिकुलर नाइट्रोजन भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिकुलर नाइट्रोजन भी बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, तो ये कैसा होता है, इसको हम लोग N2 लिखते हैं, ठीक है। N2 में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड्स है, हम लोग बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड्स है, ठीक है। ये कितना बॉन्ड्स है, कितना कोवेलेंट बॉन्ड्स है, हम लोग बोलेंगे 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में प्रेजेंट होता है मॉलिकुलर नाइट्रोजन में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, इसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है किसके लिए, प्लांट के लिए। तो ये हम लोग बोलेंगे कि इसको तोड़ नहीं सकता है कौन, प्लांट, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये जो मॉलिकुलर नाइट्रोजन है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये क्या होता है, अनयूजेबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। क्यों, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स होता है, ठीक है, जो स्ट्रांग होता है, जिसको प्लांट नहीं तोड़ पाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि प्लांट नहीं क्यों तोड़ पाता है, क्यों नहीं तोड़ पाता है प्लांट इस बॉन्ड को, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि प्लांट को इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम का नीड पड़ेगा, ठीक है।
एक एंजाइम का लीड पड़ेगा, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम। उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजिनेज एंजाइम, या इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और ये जो एंजाइम है ना, यही एंजाइम क्या कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे ये जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको तोड़ पाएगा। ठीक है, तो ये जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम हम लोग बोलेंगे प्लांट के पास नहीं होता है। इवन प्लांट्स या एनिमल किसी के पास ये एंजाइम नहीं होता है। कौन सा एंजाइम? नाइट्रोजिनेज एंजाइम या नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो प्लांट के पास ये एंजाइम होता नहीं है। ठीक है, कौन सा एंजाइम? नाइट्रोजिनेज एंजाइम या नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे प्लांट क्या नहीं कर पाता है, इस मॉलिकुलर नाइट्रोजन में जो ट्रिपल बॉन्ड्स इसको नहीं तोड़ पाता है। और नहीं तोड़ पाएगा तो ये नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे अनयूजेबल फॉर्म में प्रेजेंट होगा। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। ठीक है, याद रखना है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है या मॉलिकुलर नाइट्रोजन होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? अनयूजेबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि प्लांट्स इसको या एनिमल इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता इस नाइट्रोजन को। ठीक है, और वैसे भी हम लोग बोलेंगे कि प्लांट्स के पास ये ट्रिपल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए, जिस एंजाइम को बोलते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम या नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स रहता ही नहीं है। और यही एंजाइम क्या कर पाएगा? इस बॉन्ड्स को तोड़ पाएगा। तो ये एंजाइम प्लांट में है नहीं, तो प्लांट हम लोग बोलेंगे डायरेक्टली कभी भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं यूज कर पाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे अनयूजेबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो इसको मैं ऐसे समझाता हूं, देखना ध्यान से, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, देखो ध्यान से। यहां पर देखो, ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट नाइट्रोजन है? 78% नाइट्रोजन है। किस फॉर्म में? अनयूजेबल फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर एक प्लांट को बनाता हूं, देखो ध्यान से, ये मान लो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये मान लो एक प्लांट है। ठीक है, ये मान लो एक प्लांट है, ये प्लांट का रूट है। अब यहां पर एटमॉस्फेयर में, ये एटमॉस्फेयर में क्या चीज, हम लोग बोलेंगे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है क्या वो प्लांट के पास नहीं जाता होगा? हम लोग बोलेंगे बिल्कुल जाता होगा। ठीक है, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लांट के अंदर जाता है, मतलब प्लांट सेल्स के अंदर जाता है। ठीक है, क्यों ये प्लांट सेल के अंदर जाता है? क्योंकि ये हाईली डिफ्यूजेबल है, ये आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है और प्लांट सेल के अंदर पहुंच सकता है। लेकिन प्लांट सेल इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के बीच में हम लोग बोलेंगे क्या चीज है? ट्रिपल बॉन्ड्स है। और ये ट्रिपल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स चाहिए, या आप लोग बोलेंगे नाइट्रोजिनेज एंजाइम चाहिए। और वो एंजाइम प्लांट्स के पास नहीं होता है। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जैसे प्लांट्स में घुसता है, वैसे ही ऑटोमेटिक ये क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे वापस फिर बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स इसको तोड़ ही नहीं सकता, या हम लोग बोलेंगे प्लांट इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज कर ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स के पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहां पर प्रेजेंट होता है। याद रखना, ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स किसमें प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक्सक्लूसिवली किसमें मिलेगा? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में किसमें हम लोग बोलेंगे? बैक्टीरिया में मिलता है। कौन सा एंजाइम? हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल है जो क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे इस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को, जो अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है, इसको ये किस में चेंज कर सकता है? यूजेबल फॉर्म में चेंज कर सकता है। ठीक है, याद रखना है। तो मैं क्या बोला, मैं ये बोला कि बैक्टीरिया, या हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही एक ऐसा एकमात्र ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर सकता है, अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को किस में चेंज कर सकता है, हम लोग बोलेंगे यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहां पर समझना है क्या मैं बोल रहा हूं। देखो यहां पर मैंने क्या लिखा कि प्रॉब्लम क्या है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, अनयूजेबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसीलिए प्लांट और एनिमल या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स एनिमल के पास क्या नहीं होता है, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा, देखो, सो इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू सम यूजेबल फॉर्म। मतलब ये जो अनयूजेबल फॉर्म है नाइट्रोजन का, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का, इसको क्या करना पड़ेगा, किसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, अनयूजेबल फॉर्म को यूजेबल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। और ये जो यूजेबल फॉर्म होता है किसका, नाइट्रोजन का, मॉलिकुलर नाइट्रोजन का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट। ठीक है, या क्या बोलते हैं, अमोनिया माइन, या अमोनिया बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइड बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट मिलेगा। ठीक है, अमोनियम आयन और नाइट्राइड क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे बहुत कम मिलेगा, या ये हम लोग बोलेंगे रेयर होगा। ठीक है, याद रखना है। तो मैंने यहां पर क्या बोला,
मैंने यहाँ पर बोला, देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर क्या बोला, मैंने यहाँ पर बोला कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, देखो ध्यान से, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि क्या चीज हम लोग बोलेंगे, अनयूजेबल फॉर्म है, अनयूजेबल फॉर्म है, ठीक है, अनयूजेबल फॉर्म है, अनयूजेबल, अनयूजेबल फॉर्म है, ठीक है। अगर इसको हम लोग बोलेंगे यूजेबल फॉर्म में चेंज कर दिया जाए, अगर इसको किस में चेंज कर दिया जाए, हम लोग बोलेंगे यूजेबल फॉर्म में चेंज कर दिया जाए, ठीक है। किसके थ्रू चेंज कर दिया जाए, तो हम लोग बोलेंगे किसके थ्रू, प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, या हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग बोलेंगे अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को किसमें चेंज किया जाता है, हम लोग बोलेंगे यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में चेंज किया जाता है। किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के थ्रू, मोस्टली हम लोग क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया के थ्रू। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, और ये एंजाइम क्या कर सकता है, इस मॉलिकुलर नाइट्रोजन में जो ट्रिपल बॉन्ड्स उसको तोड़ सकता है और उसको अनयूजेबल फॉर्म को किसमें चेंज कर सकता है, यूजेबल फॉर्म में चेंज कर सकता है। तो ये जो नाइट्रोजन का यूजेबल फॉर्म हम लोग बोलेंगे क्या हो सकता है, याद रखना है, नाइट्रोजन का जो यूजेबल फॉर्म है वो क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट, ठीक है। NO3- को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। मोस्टली यही होता है, याद रखना है, मोस्टली जो सॉइल में प्रेजेंट होगा वो यही होगा, ठीक है, याद रखना है। अब देखो दूसरा क्या होता है, हम लोग बोलेंगे दूसरा होता है अमोनिया हो सकता है, या हम लोग इसको अमोनियम आयन के फॉर्म में भी बोल सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट हो सकता है, नाइट्राइट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट। लेकिन ये दोनों जो है ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, हम लोग बोलेंगे यूजेबल फॉर्म जो होता है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का, वो क्या होता है, नाइट्रेट होता है, ठीक है। अमोनिया भी हो सकता है या अमोनियम आयन भी हो सकता है, नाइट्राइट भी हो सकता है, लेकिन ये रेयर होता है, लेकिन ये यूजेबल फॉर्म है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वैसा प्रोसेस जिसके थ्रू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को या अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में चेंज किया जाता है, मतलब नाइट्रेट, अमोनियम आयन या अमोनिया, नाइट्राइट, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो जो यूजेबल फॉर्म होता है नाइट्रोजन का वो क्या होता है, नाइट्रेट होता है, जो कि मोस्टली मिलता है, अमोनियम आयन या अमोनिया भी बोल सकते हैं, ठीक है, और क्या होता है, नाइट्राइट होता है, जो कि रेयर होता है, ये दोनों रेयर मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि कैसे करके मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को, या हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को या अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, या सिंपल अभी हम लोग लिखेंगे किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, याद रखना है। क्या किया जाता है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को या अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को चेंज किया जाता है, किसमें, यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में, मतलब नाइट्रेट में, अमोनियम आयन या अमोनिया में, और नाइट्राइट में, जिसमें से मोस्ट अबंडेंट क्या होता है, नाइट्रेट होता है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे क्या हो सकता है, जो रेयर फॉर्म है, या हम लोग बोलेंगे ये क्या होता है, लेस कॉमन होता है, क्या चीज, हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन या अमोनिया और नाइट्राइट, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब देखो यहां पर बार बार बुक में क्या लिखेगा, ध्यान से देखना, अमोनिया भी लिखता है, ठीक है, ऑब्लिक करके क्या लिखता है, अमोनियम आयन भी लिखता है, दोनों सेम है। क्यों सेम है, देखो ध्यान से, क्योंकि अमोनिया का ही हम लोग बोलेंगे ये फॉर्म है क्या चीज, अमोनियम आयन। कैसे, तो हम लोग जब अमोनिया को एक्वस एनवायरनमेंट में डालेंगे, ठीक है, एक्वस एनवायरनमेंट में अगर डालेंगे तो अमोनिया क्या करता है, हम लोग बोलेंगे एक्वस एनवायरनमेंट से क्या करता है, प्रोटोन को अपने में लेने लगता है, प्रोटोनेशन होता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये जो अमोनिया वो किसमें चेंज हो जाता है, अमोनियम आयन में चेंज हो जाता है, ठीक है, याद रखना है। तो जहां पे अमोनिया ऑब्लिक अमोनियम आयन लिखेगा वो दोनों सेम है, या अमोनिया नहीं भी लिखेगा, डायरेक्टली क्या लिखेगा, अमोनियम आयन, वो भी सही है, ठीक है, याद रखना है। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या आता है, देखना ध्यान से समझना, यहां पर क्वेश्चन ये आता है, देखो यहां पर कि प्लांट देखो ध्यान से, प्लांट क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कहां से लेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट कहां से लेगा, डायरेक्टली तो लेगा तो एज इट इज बाहर निकल जाएगा। तो प्लांट के पास याद रखना है जो सॉयल में, ठीक है, सॉयल में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो सॉयल में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, वो जो यूजेबल फॉर्म होगा नाइट्रोजन को, उसको ही प्लांट क्या करेगा, अपने रूट के थ्रू क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सॉयल में कैसे करके नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और सॉयल में नाइट्रोजन का, या आप लोग बोलेंगे जो अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है उसका यूजेबल फॉर्म क्या होता है। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं, देखो ध्यान से, ये जो यूजेबल फॉर्म है ना, ये जो यूजेबल फॉर्म ये जो मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, ये कहां प्रेजेंट होगा, याद रखना, ये सॉयल में प्रेजेंट होगा, ठीक है, याद रखना है। तब क्वेश्चन आता है कि सॉइल में ये यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कहां से आया, ठीक है, इसको मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि याद रखना है प्लांट क्या करेगा, अपने रूट के थ्रू ही
प्लांट क्या करेगा, अपने रूट के थ्रू ही क्या करेगा, जो यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है जैसे नाइट्रेट, अमोनियम आयन, नाइट्राइट, इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो अनयूजेबल फॉर्म है, एकमात्र सोर्स क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। लेकिन प्लांट क्या करता है, सोयल से ही क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, जो यूजेबल फॉर्म है नाइट्रोजन का उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि सोयल में कैसे करके ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो किसमें चेंज हो गया, हम लोग बोलेंगे यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में चेंज हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रेट या अमोनियम आयन, या हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट। तो वो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूं और मैं बताता हूं, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे करके सोयल में प्लांट्स के लिए जो यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन होता है वो अवेलेबल होता है कैसे करके। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा है, मैंने ये बताया है कि नाइट्रोजन का जो एकमात्र सोर्स है वो क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, याद रखना है। ठीक है, लेकिन प्लांट क्या करेगा, प्लांट का जो रूट होता है वही क्या करेगा, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो अनयूजेबल फॉर्म है इसको यहाँ पर बैक्टीरिया के थ्रू यूजेबल फॉर्म में चेंज किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्लांट का जो रूट है वही क्या करेगा, यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्ब करेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि प्लांट के लिए सॉइल इज द मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, एंड इन सॉइल प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट मोस्टली, एंड हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन या अमोनिया, एंड हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट जो कि बहुत लेस होता है। ठीक है, याद रखना है। तो देखो अब ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, जो अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है, वो हम लोग बोलेंगे उसको प्लांट कैसे करके एब्जॉर्ब करता है, इन द फॉर्म ऑफ यूजेबल फॉर्म। ठीक है, याद रखना, इन द यूजेबल फॉर्म। तो देखो इसको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक ग्राउंड लेवल में बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे सॉइल है। ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या है, सॉइल पार्टिकल्स है ये सब। ठीक है, ये सब क्या है, सॉइल पार्टिकल्स है, ये हम लोग बोलेंगे ग्राउंड लेवल के ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, और देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ प्लांट, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्लांट है। ठीक है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्लांट का क्या हम लोग बोलेंगे, रूट है ये वाला। ठीक है, ये क्या चीज है, प्लांट का रूट है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, क्यों ये अनयूजेबल है, क्योंकि इसके पास क्या हम लोग बोलेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसको तोड़ना प्लांट के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि प्लांट के पास में कौन सा एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स किसके पास प्रेजेंट होता है, एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास, या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास। मोस्टली क्या होता है, हम लोग बोले सॉरी एक्सक्लूसिवली हम लोग बोल सकते हैं किसके पास होता है, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया के पास। ठीक है, याद रखना ये एंजाइम। तो अब ध्यान से देखो कि अगर हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइट्स का, ब्रायोफाइट्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ग्रीन एल्गी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, ग्रीन एल्गी, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम लोग बोलेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में, टेरिडोफाइट्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो ये सारा का, तो ये जो सारे के सारे में क्या क्या प्रेजेंट नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट नहीं होगा। इसका मतलब ब्रायोफाइट्स, ग्रीन एल्गी, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, ये सब हम लोग बोलेंगे कभी भी हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाएगा, मतलब अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में चेंज नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये सारे में क्या नहीं होता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखो, अब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, देखो ध्यान से समझना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर समझना है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, देखो ध्यान से, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हम लोग बोलेंगे सॉइल के बीच में भी आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये जो नाइट्रोजन यहाँ पर है ना, ये सब सारा का सारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जब ये सॉइल में आ जाएगा तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे सॉइल नाइट्रोजन, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉइल नाइट्रोजन बोलेंगे। ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एरिया होता है, जो गैप होता है, उसमें क्या आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे यही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आ जाएगा। ठीक है, याद रखना है। और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अब हम लोग क्या बोलेंगे, अब हम लोग बोलेंगे सॉइल नाइट्रोजन। लेकिन अभी भी ये सॉइल नाइट्रोजन किस फॉर्म में, हम लोग बोलेंगे अनयूजेबल फॉर्म में है। ठीक है, तब ध्यान से देखो यहां पर समझना है क्या चीज होता है। ठीक है, कुछ याद रखना, प्लांट्स में हम लोग बोलेंगे दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, एक प्लांट जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है बैक्टीरिया के साथ, और दूसरा प्लांट जो कि नॉन सिम्बायोटिक होता है। ठीक है, याद रखना है।
तो कुछ प्लांट जैसे कि मान लो ये प्लांट क्या सा हम लोग बोलेंगे, मान लो सिम्बायोटिक प्लांट है, ठीक है, ये मान लो सिम्बायोटिक प्लांट है। और अगर ये सिम्बायोटिक प्लांट है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, बैक्टीरिया के साथ क्या करेगा, एसोसिएट करेगा, ठीक है। क्यों बैक्टीरिया के साथ एसोसिएट करेगा, क्योंकि तो बैक्टीरिया के पास कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, जो क्या कर सकता है, ये अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन जो सॉइल में प्रेजेंट है इसको क्या चीज में चेंज कर सकता है, यूजेबल फॉर्म में चेंज कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या करता है, जो सिम्बायोटिक प्लांट होता है, ध्यान से देखना, ये जो सिम्बायोटिक प्लांट होता है वो क्या करता है, अपने रूट में क्या करता है, हम लोग बोलेंगे रूट में, हम लोग बोलेंगे रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है। देखो ध्यान से, ये सब मैं दिखा रहा हूँ, ये सब क्या है, हम लोग बोलेंगे ये सब क्या है, रूट नोड्यूल है। देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो रूट नोड्यूल है। रूट नोड्यूल का मतलब हो गया कि जो रूट का जो सेल्स होता है, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। रूट का जो सेल्स होता है, खासकर हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल्स, उस कॉर्टिकल सेल्स में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डिवीजन होता है, जिसकी वजह से कॉर्टिकल सेल का नंबर बढ़ता है, और नंबर बढ़ने के बाद हम लोग बोलेंगे कुछ आउटग्रोथ के जैसा दिखने लगता है, और वो जो आउटग्रोथ होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं नोड्यूल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट नोड्यूल, ठीक है। अब इस नोड्यूल के अंदर ध्यान से देखो, इस नोड्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। ध्यान से देखो, यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, इसको मैं दिखा रहा हूं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, एक 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 सेल को मैं मैग्नीफाई करके यहां पर दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, बस एक सेल को मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं, ये कौन सा सेल है, रूट का कॉर्टिकल सेल है, ठीक है, ये मैं बताऊंगा, रूट का कॉर्टिकल सेल है, और उस रूट के कॉर्टिकल सेल में क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट है, देखो ध्यान से, क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट है बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, ठीक है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहां पर प्रेजेंट रहता है, तो हम लोग बोलेंगे ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहां पर प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे सॉइल में ही प्रेजेंट होता है, फ्री लिविंग स्टेट में होता है, ये सॉइल में घूमता रहता है ये राइजोबियम बैक्टीरिया। लेकिन जब कभी जो सिम्बायोटिक प्लांट होता है, इस प्लांट में अगर नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, तब ये प्लांट क्या करता है, अपने रूट के थ्रू क्या करता है, इस जो बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने के बाद हम लोग बोलेंगे कि अल्टीमेटली ये बैक्टीरिया कहां चला जाता है, हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल्स के अंदर, रूट का जो कॉर्टिकल सेल होता है उसके अंदर चला जाता है, और हम लोग बोलेंगे यहां पर जो रूट का जो कॉर्टिकल सेल्स उसको डिवाइड कराता है, जिसकी वजह से यहां पर नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब हो गया कि कॉर्टिकल सेल के अंदर क्या आ गया, बैक्टीरिया आ गया, कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये जो सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जो कि किस फॉर्म में, अनयूजेबल फॉर्म में है ना, ठीक है, याद रखना है। तो मैंने क्या बोला था कि ये नाइट्रोजन क्या कर सकता है, मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर सकता है, क्योंकि ये हाईली डिफ्यूजेबल है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन देखो ध्यान से, ये नाइट्रोजन कहां पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे ये नाइट्रोजन पहुंच जाएगा किसके अंदर, रूट का कॉर्टिकल सेल के अंदर। अब इस बैक्टीरिया के अंदर क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स मिलेगा, क्या तक नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स देखो ध्यान से क्या करेगा, इस मॉलिकुलर नाइट्रोजन को, या हम लोग बोलेंगे अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को, किसमें चेंज कर देगा, हम लोग बोलेंगे यूजेबल फॉर्म में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया बोलते हैं, या अमोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अमोनिया, या क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। और यही अमोनिया और अमोनियम आयन का को प्लांट क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एसिमिलेट करेगा, मतलब इसको जो टॉक्सिक होता है इसको किसमें चेंज करेगा, नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में चेंज करेगा, जिसको हम लोग एमिनो एसिड्स बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है। तो ध्यान से देखो, इसको ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको ही हम लोग बोल रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। जिसमें क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे जो अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है उसको किसमें चेंज किया गया, यूजेबल फॉर्म में चेंज किया गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये जो पार्टिकल सेल है उसके अंदर क्या मिलेगा, उसके अंदर मिलेगा राइजोबियम बैक्टीरिया, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर क्या मिलेगा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जो क्या करेगा हम लोग बोलेंगे जो सॉइल में मॉलिकुलर नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देगा, किसमें, हम लोग बोलेंगे यूजेबल फॉर्म में, जिसका नाम क्या है, अमोनिया, या क्या बोलेंगे, अमोनियम आयन, ठीक है, याद रखना है। और अमोनियम आयन टॉक्सिक है, इसको प्लांट क्या करेगा, नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में चेंज करेगा, जिसको बोलते हैं एमिनो एसिड्स, उससे प्लांट्स क्या करेगा, बहुत सारा प्रोटीन्स को बनाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन, अमोनियम एसिमिलेशन, ठीक है। तो ये था सिम्बायोटिक प्लांट्स के केस में, सिम्बायोटिक प्लांट्स के केस में आप देख सकते हैं कि कैसे करके सॉइल में नाइट्रोजन अवेलेबल हुआ, और ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है बैक्टीरिया के साथ, और वही बैक्टीरिया क्या करता है, मॉलिकुलर नाइट्रोजन को किसमें चेंज करता है, यूजेबल फॉर्म, जिसको अमोनिया बोलते हैं, अमोनियम आयन बोलते हैं। तो देख सकते हैं यहां पर जो अमोनियम आयन है, या हम लोग बोलेंगे अमोनिया, जिसको यूजेबल फॉर्म बोलते हैं, याद रखना, ये हम लोग बोलेंगे ये डायरेक्टली कहां किसको मिल गया, हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक प्लांट्स को मिल गया, ठीक है, इसके थ्रू हम लोग बोलेंगे ये बैक्टीरिया के थ्रू, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया के पास क्या है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक प्लांट्स का।
अब वैसा भी तो प्लांट्स होगा ना, जो प्लांट्स क्या करेगा, जो प्लांट्स हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं करेगा, तो वैसा प्लांट फिर क्या करेगा, कैसे करके ये नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करेगा, तो उसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब देखो नॉन सिम्बायोटिक प्लांट्स कौन सा यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करता है सॉयल से, या हम लोग बोल सकते हैं कैसे करके नॉन सिम्बायोटिक प्लांट्स के केस में जो अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में, ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक चीज समझा रहा हूँ, यहाँ पर देखना, ये मैं बना रहा हूँ ग्राउंड लेवल, ठीक है, नीचे में क्या हम लोग बोलेंगे सॉयल है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या सॉयल है, ठीक है, ध्यान से देखना। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, वैसा प्लांट जो कि क्या चीज हम लोग बोलेंगे नॉन सिम्बायोटिक प्लांट है, मतलब ये बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन नहीं करेगा, ये प्लांट है, ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। और ये प्लांट का क्या हम लोग बोलेंगे रूट है। तो मैंने क्या बोला कि प्लांट क्या चीज से अब्सॉर्ब करेगा यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को, हम लोग बोलेंगे रूट से। और ये नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे सॉयल में, ठीक है। और ये सॉयल में नाइट्रोजन जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ही होता है, जो कि हम लोग बोलेंगे अनयूजेबल फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसको मैंने अभी दिखाया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना कि वैसा प्लांट जो कि नॉन सिम्बायोटिक है, जो कि हम लोग बोलेंगे नॉन सिम्बायोटिक प्लांट है, नॉन सिम्बायोटिक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट नॉन सिम्बायोटिक का मतलब ये बैक्टीरिया पर डिपेंड नहीं करेगा, ये क्या करेगा यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को ये सॉयल से अपने रूट के थ्रू डायरेक्टली एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर देखो समझो, यहाँ पर समझना है कि इसके लिए ऐसे प्लांट्स के लिए हम लोग बोलेंगे कैसे करके, हम लोग बोलेंगे जो यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन होता है वो अवेलेबल होता है, ठीक है, उसको मैं बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, जब भी कोई भी हम लोग बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब उसका डेथ होता है, ठीक है, तब उसको हम लोग बोलेंगे, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर, तब उसको हम लोग ये बोलेंगे ना डेड ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं, ठीक है। जब भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर। और वो किस, वो जब डेथ होता है तो वो किससे, मतलब ये होता है वो किस, मतलब वो कहां पर ये उसका जो बॉडी होता है वो किसको टच करता है, सॉइल को टच करता है, ठीक है। तो जैसे ही सॉइल को टच करेगा, ध्यान से देखना, जैसे ही सॉइल को टच करेगा डेड ऑर्गेनिक मैटर या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका डेथ हो गया, जैसे वो सॉइल के सर्फेस को टच करेगा, वैसे हम लोग बोलेंगे एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डिकम्पोजिशन होता है ये मोस्टली हम लोग बोलेंगे कैसा प्रोसेस होता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर जैसे ही हम लोग बोलेंगे सॉइल के कॉन्टेक्ट में आएगा तो इसका क्या स्टार्ट हो जाएगा, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है ये हम लोग बोलेंगे डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, और हम लोग बोलेंगे किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे किसमें चेंज हो जाएगा प्रोटीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन याद रखना सब सॉइल के अंदर हो रहा है, ये जो प्रोटीन है ना ये फर्दर हम लोग बोलेंगे क्या होगा, इसका फर्दर क्या होगा, फिर से क्या होगा डिकम्पोजिशन होगा इस प्रोटीन का, फर्दर फिर से क्या होगा हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन होगा, सॉइल के अंदर होगा, याद रखना है ये सब डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन को मोस्ट हम लोग अच्छे वर्ड में क्या यूज कर सकते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो प्रोटीन फर्दर हम लोग बोलेंगे इसका डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। और ये प्रोटीन किसमें चेंज हो जाएगा हम लोग बोलेंगे, ये चेंज हो जाएगा किसमें, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स में चेंज हो जाएगा, ये किसमें चेंज हो जाएगा एमिनो एसिड्स में चेंज हो जाएगा, सब सॉइल के अंदर हो रहा है। अब ये जो एमिनो एसिड्स है ना, ठीक है, देखो ध्यान से, ये एमिनो एसिड्स हम लोग बोलेंगे फर्दर हम लोग बोलेंगे इस एमिनो एसिड्स का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, जिसको मैं लिख रहा हूँ डिकम्पोजिशन, फर्दर मैं लिख रहा हूँ डिकम्पोजिशन होगा, याद रखना सॉइल के अंदर ही होगा, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे वर्ड में क्या यूज कर सकते हैं ऑक्सीडेशन। तो जब ये अमीनो एसिड्स का डिकम्पोजिशन होगा फर्दर सॉइल के अंदर, ठीक है, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, यहां पर बनेगा हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन, ठीक है, याद रखना है। अब ये जो याद रखना सॉइल के अंदर बना है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन या अमोनिया भी बोल सकते हैं, अमोनियम आयन, ठीक है, याद रखना ये सॉइल के अंदर बना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो अमोनियम आयन है ना, ये अमोनियम आयन हम लोग बोलेंगे, इस अमोनियम आयन को सॉइल के अंदर हम लोग बोलेंगे चेंज कर दिया जाता है, हम लोग बोलेंगे किसमें, हम लोग बोलेंगे एक नया कंपाउंड में, उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन को नाइट्राइट में चेंज करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मैं बताऊंगा क्या बोलते हैं, अभी मैं बताऊंगा, अभी देखना ध्यान से, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसोफिकेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं नाइट्रोसोफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, चलो मैं यहाँ पर लिख दिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉइल के अंदर हो रहा है। अब ये जो नाइट्राइट है, ये नाइट्राइट सॉइल के अंदर फर्दर हम लोग बोलेंगे चेंज हो जाएगा एक नया कंपाउंड में, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, जब नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है सॉइल के अंदर, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, नाइट्रिफिकेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है।
और ध्यान से देखो ये जो नाइट्रेट है ना, ये नाइट्रेट क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये नाइट्रेट क्या चीज है, यूजेबल फॉर्म है, याद रखना है नाइट्रोजन का, ठीक है। और ये नाइट्रेट ही हम लोग बोलेंगे क्या होगा, मोस्ट अबंडेंट होता है, याद रखना है, जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट होता है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। और ये हम लोग बोलेंगे लेस टॉक्सिक होता है, ठीक है, ये क्या होता है हम लोग बोलेंगे लेस टॉक्सिक होता है, ठीक है। इसके बाद जो एनर्जी होता है ना वो क्या होगा हम लोग बोलेंगे बिल्कुल कम होगा, लीस्ट एनर्जी वाला कंपाउंड है ये, ठीक है। और इसको प्लांट क्या करेगा हम लोग बोलेंगे मोस्टली क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, कौन सा प्लांट हम लोग बोलेंगे, नॉन सिम्बायोटिक प्लांट्स, कहां से एब्जॉर्ब करेगा तो हम लोग बोलेंगे अपने रूट के थ्रू, ये क्या करेगा इस ये जो ये नाइट्रेट है इसको क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा। तो आप देख सकते हैं नॉन सिम्बायोटिक प्लांट जो होता है वो क्या चीज को हम लोग बोलेंगे, कौन सा फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को ये करता है एब्जॉर्ब, कौन सा यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, तो हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट को, सॉरी नाइट्रेट को, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर देखो ये जो नाइट्रेट है इसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, हम लोग बोलेंगे नॉन सिम्बायोटिक प्लांट्स का रूट, ठीक है। लेकिन अमोनियम आयन या अमोनिया को कौन एब्जॉर्ब, ये अमोनियम आयन और अमोनिया ये किसके लिए अवेलेबल हो जा रहा था, हम लोग बोलेंगे वैसा प्लांट जो बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं नाइट्राइट भी लिखा हूँ, यहाँ ये जो नाइट्राइट है ना इसको भी ये प्लांट क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे ले सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, याद रखना है, लेकिन बहुत रेयर होता है ये, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो ये जो प्रोसेस है यहां से लेके जो ये सब जो प्रोसेस है वो सारा का सारा प्रोसेस कहां हुआ, हम लोग बोलेंगे सॉइल के अंदर हुआ, ठीक है। अब देखो ध्यान से ये यहां पर डेड ऑर्गेनिक मैटर ये क्या चीज था, ये भी तो हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन का बना था ना, और ये नाइट्रोजन कहां से लिया होगा, ये हम लोग बोलेंगे ये नाइट्रोजन कहां से आया होगा, एटमॉस्फेयर वाला ही तो नाइट्रोजन होगा ना, किसके पास, डेड ऑर्गेनिक मैटर के पास, ठीक है। तो यहां से देखो ध्यान से डेड ऑर्गेनिक मैटर से देखो यहां पर डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है, एमिनो एसिड्स में चेंज हुआ, एमिनो एसिड से लेके हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन तक, यहां तक, ठीक है, यहां तक। ये जो प्रोसेस है ना इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अमोनिफिकेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिफिकेशन, याद रखना है अमोनिफिकेशन, ये अमोनिफिकेशन सॉइल में हो रहा है, ठीक है, याद रखना है। कैसे हो रहा था हम लोग बोलेंगे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, या हम लोग बोलेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर में जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन किसमें चेंज हो जा रहा है, हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन में चेंज हो जा रहा है, किसके अंदर, सॉइल के अंदर, याद रखना है, ठीक है। और अमोनिफिकेशन करने के लिए हम लोग बोलेंगे सॉइल के अंदर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे अमोनिफाइंग बैक्टीरिया बोलेंगे, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये जो अमोनियम आयन है, ये अमोनियम आयन जब नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है सॉइल के अंदर, तब इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोसोफिकेशन, ठीक है, याद रखना है। तो यहां पर जो बैक्टीरिया लगेगा, यहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगेगा उसका नाम क्या होगा, नाइट्रोसो, इसमें टर्म आएगा बार बार नाइट्रोसोमोनास, जैसे कि मान लो नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, नाइट्रोसो क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे कोकस, ऐसे करके। तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करेगा, अमोनियम आयन को किसमें चेंज करेगा, नाइट्राइट में, मतलब नाइट्रोसोफिकेशन करेगा, इसीलिए यहाँ पर बैक्टीरिया का नाम नाइट्रोसो होता है, ठीक है, याद रखना है, ये सॉइल के अंदर हुआ। अब नाइट्राइट जो है, नाइट्राइट किसमें चेंज होगा, नाइट्रेट में, सॉइल के अंदर ही चेंज होगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन, याद रखना है। और यहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, क्या बोलेंगे, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया बोलेंगे। यहां पर जो क्या बोलते हैं, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया ही बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर मैं ये बताया कि जो नॉन सिम्बायोटिक प्लांट है उसके लिए जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वो कैसे करके अवेलेबल हुआ सॉइल में। इससे पहले मैं क्या बताया था, जो सिम्बायोटिक प्लांट था उसके लिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैसे करके अवेलेबल हुआ ये मैंने बताया था, ये इससे पहले मैंने बताया था, ठीक है। तो यहां तक जो भी मैंने बताया वो जो मैं यहां पे लिखा उसको मैं बता दिया। और एक चीज देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये आता है, देखो ध्यान से ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि नाइट्रेट, याद रखना है, मोस्टली अवेलेबल होता है सॉइल में, ठीक है, इसको दिमाग में रखना। और मोस्ट ऑफ दी जो नॉन सिम्बायोटिक प्लांट्स होता है वो हम लोग बोलेंगे अपने रूट के थ्रू किसको एब्जॉर्ब करेगा, नाइट्रेट को, ठीक है, याद रखना है। क्यों नाइट्रेट के एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि नाइट्रेट का सबसे पहला चीज यहाँ पर जो ये अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट है, ये लेस टॉक्सिक है, इसमें एनर्जी कम होता है, ठीक है, और ये आसानी से प्लांट इसको क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि प्लांट के रूट हेयर सेल्स में नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करने के लिए ट्रांसपोर्टर लगा होता है, ठीक है। कैसे वो कैसे करके एब्जॉर्प्शन होता है मैं मैकेनिज्म को समझाऊंगा, ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। अब देखो ये भी मैंने बता दिया था कि अमोनियम आयन भी ये अमोनियम आयन या अमोनिया कैसे करके सिम्बायोटिक प्लांट्स में बना था, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ जो नाइट्राइट है ना, याद रखना इस चीज को,
जो नॉन सिम्बायोटिक प्लांट होता है ना, नॉन सिम्बायोटिक प्लांट याद रखना, ऐसा तो प्रीफर करता है नाइट्रेट को ही एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन कभी कभी ये क्या करता है नाइट्राइट को भी क्या करता है हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्ब करता है डायरेक्टली। कभी कभी ये क्या करता है हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन को भी क्या करता है हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्ब करता है डायरेक्टली, ठीक है याद रखना। लेकिन अमोनियम आयन और नाइट्राइट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना या अमाउंट होता है ना सॉइल को बहुत लेस होता है, ना के बराबर होता है, नहीं मिलता है, इसीलिए प्लांट को मजबूरी में क्या करना पड़ता है हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। लेकिन याद रखना नॉन सिम्बायोटिक प्लांट्स अमोनियम आयन को भी नाइट्राइट को भी और हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट को भी क्या कर सकता है अपने रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन मोस्टली प्रीफर किसको करता है नाइट्रेट को, क्यों? क्योंकि नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन या हम लोग बोलेंगे अमाउंट ज्यादा है सॉइल में, ठीक है। लेकिन अगर अमोनियम आयन और नाइट्राइट भी अगर रहेगा कुछ अमाउंट में सॉइल में तो याद रखना प्लांट का रूट इसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। क्यों करेगा ये मैं एब्जॉर्प्शन के टाइम पे बताऊंगा, ठीक है याद रखना इस चीज को। अब देखो ध्यान से एक चीज मैं ये बताता हूँ, जब भी कभी प्रोसेस हो रहा होता है मतलब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे क्या मिला हम लोग को नाइट्रेट मिला सॉइल में, तो यहाँ पर देखो ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है ना इसमें हम लोग बोलेंगे एनर्जी का जो लेवल होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है। जैसे जैसे ये डिकम्पोज करते चला जाता है वैसे वैसे एनर्जी का जो लेवल होता है वो कम होते चला जाता है, और सबसे लीस्ट एनर्जी कहाँ मिलेगा, सबसे लीस्ट एनर्जी कौन से कंपाउंड में मिलेगा हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट में मिलेगा, ठीक है। इसीलिए प्लांट क्या करता है हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट को ज्यादा प्रीफर करता है कि ये क्या कर ले अपने रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। अब एब्जॉर्ब करने के बाद बाकी कैसे एसिमिलेशन होता है ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा जो कि मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने बता दिया कि कैसे करके जो सॉइल में जो नाइट्रोजन का जो यूजेबल फॉर्म होता है वो अवेलेबल होता है और प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है, कौन कौन प्लांट कैसे करते हैं मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग फिर वापस यहाँ आते हैं, देखो कैसे करके हम लोग बोलेंगे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वो कन्वर्ट हुआ यूजेबल फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन को डिटेल में देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन और फिर हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म कैसे करके नाइट्रोजन को बैक्टीरिया फिक्स करता है, ठीक है इस चीज को याद रखना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं मैं इसको मिटा के क्या बता रहा हूं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में देख रहा हूं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आता है कि कैसे करके जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है जो अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में, ठीक है। इसके लिए हम लोग स्टडी करते हैं बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन एक वैसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे जो अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है या हम लोग बोलेंगे मॉलिकुलर नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट किया जाता है यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में, ठीक है। तो वही अभी हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो वही आईडी मैंने यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। तो देखो मैंने क्या लिखा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एक रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है याद रखना ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी है कहीं ना कहीं, लेकिन मोस्टली ये क्या है रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है याद रखना, जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे क्या होता है जो अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन होता है उसको हम लोग बोलेंगे यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है देख सकते हैं यहाँ पर। और यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है अमोनिया हो सकता है या अमोनियम आयन हो सकता है नाइट्राइट हो सकता है या हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट हो सकता है। तो क्वेश्चन आता है कैसे करके, तो इसको हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ध्यान से देखो उससे पहले मैं क्या बताने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है याद रखना है। जब भी कभी भी हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, या जब भी कभी भी आप लोग बुक में पढ़िएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन तो याद रखना है, तो उसमें हम लोग किसके बारे में मोस्टली स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, ठीक है। या जब भी कभी लिखा हुआ रहेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन तो आप खुद ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये चीज आ जाना चाहिए इसका मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि 90% जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो किसके थ्रू होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है मतलब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू होता है, ठीक है याद रखना है इस चीज को। तो अभी हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो मैंने क्या लिखा है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना याद रखना नाइट्रोजन को फिक्स किया जा सकता है या हम लोग बोलेंगे अनयूजेबल फॉर्म से यूजेबल फॉर्म में चेंज किया जा सकता है हम लोग बोलेंगे दो प्रोसेस के थ्रू, एक को बोलेंगे नेचुरल प्रोसेस दूसरा को बोलेंगे सिंथेटिक या आर्टिफिशियल प्रोसेस। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम लोग नेचुरल प्रोसेस के रूप में भी ये कर सकते हैं क्लासिफाई और हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल या सिंथेटिक प्रोसेस के रूप में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। और जो नेचुरल प्रोसेस होता है ठीक है उसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है याद रखना है इसमें हम लोग बोलेंगे इसमें याद रखना जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है इसको कन्वर्ट किया था यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में, ठीक है किसके थ्रू हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के थ्रू और उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। और जो किससे बिलोंग करता है प्रोकैरियोटिक जो सेल है उससे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है बैक्टीरिया। इसीलिए याद रखना जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो ओनली परफॉर्म्ड बाय प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया।
और जितना भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसका हम लोग बोलेंगे 90%। ठीक है, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू। इसीलिए जब भी हम लोग कभी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे तो हम लोग ऑटोमेटिक समझ जाना है कि वो किससे रिलेटेड है, हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखना है। और देखो ध्यान से, एक चीज ध्यान देना है यहाँ पर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है, या हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है, या हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया के थ्रू होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एक खास नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डाई एजोट्रॉप। ठीक है, तो डाई एजोट्रॉप कुछ नहीं है, डाई एजोट्रॉप हम लोग बोलेंगे ये बैक्टीरिया है या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जो कि क्या करता है, हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को करवाता है। और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसा प्रोसेस है, हम लोग बोलेंगे रिडक्शन प्रोसेस है। इसको हम लोग को डिटेल में देखना है, लेकिन यहां पर देखो मैं ब्रीफ में क्या आइडिया देता हूं, समझना, इससे क्वेश्चन आता है। देखो ध्यान से, हम लोग बोलेंगे कि जो मॉलिकुलर नाइट्रोजन है या अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है, जब इसको हम लोग बोलेंगे यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में चेंज किया जाता है, मतलब अमोनिया में। ठीक है, याद रखना, मोस्टली जब हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे ये वाला इक्वेशन लिखता है। ठीक है, मतलब मॉलिकुलर नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अमोनिया या अमोनियम आयन में। ठीक है, ये भी यूजेबल फॉर्म है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे। ठीक है, और ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को कौन करेगा, तो हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को करेगा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया करेगा। ठीक है, दोनों सेम है। तो अब जितना भी बायोलॉजिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या बैक्टीरिया होता है या प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को करवा रहा है, इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, इसको हम लोग कैटेगरी में रखते हैं डाई एजोट्रॉप्स के कैटेगरी में रखते हैं। तो डाई एजोट्रॉप क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे डाई एजोट्रॉप एक वैसा ग्रुप हो गया जिसमें वैसा बैक्टीरिया आएगा या वैसा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएगा जो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को करेगा, मतलब अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को किसमें चेंज करेगा, हम लोग बोलेंगे यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में चेंज करेगा, मतलब अमोनिया में चेंज करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो गया। और ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो कितना परसेंट होता है, हम लोग बोलेंगे वो 90% हम लोग बोलेंगे जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है वो कौन करता है, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया करता है या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या डाई एजोट्रॉप्स करता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 90%। ठीक है, मतलब जो नेचुरल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है, उसमें जो 90% जो मतलब नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होगा वो कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, याद रखना है। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं यहाँ पर बताता हूँ कि सारा का सारा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया, याद रखना है कि नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाता, ठीक है, लेकिन जो भी बैक्टीरिया या जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को फिक्स कर पाता है उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, उसको हम लोग डाई एजोट्रॉप्स के कैटेगरी में रखेंगे। और वैसा ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वैसा ही डाई एजोट्रॉप या वैसा ही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल नाइट्रोजन को फिक्स कर पाता है, मतलब नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज कर पाता है। ठीक है, जिसके पास क्या चीज एंजाइम प्रेजेंट हो, जिसके पास हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट हो, क्योंकि ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स ही क्या करता है, मॉलिकुलर नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करता है या अनयूजेबल फॉर्म को यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में चेंज करता है। ठीक है, याद रखना है। अब देखो यहां पर समझना है, यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, देखना ध्यान से, यहां पर मैं बोल रहा हूं कि ये क्या सा प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन प्रोसेस, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक रिडक्शन प्रोसेस है। तो रिडक्शन प्रोसेस कैसे हुआ, इस इक्वेशन को देखने से, देखो ध्यान से, याद रखना, अगर हम लोग बोलेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल में अगर हम लोग बोलेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, एडिशन ऑफ क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में क्या हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा, तभी तो NH3 में चेंज हुआ ना, ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन किस में चेंज हुआ, अमोनिया में। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये कैसा प्रोसेस है, ये हम लोग बोलेंगे रिडक्शन प्रोसेस है। कौन सा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हम लोग बोलेंगे, नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है दूसरा पार्ट नेचुरल प्रोसेस का। दूसरा नॉन बायोलॉजिकल मतलब इसमें हम लोग बोलेंगे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। ठीक है, तो इसका तो ऐसे नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी याद रखना है, नेचुरल प्रोसेस है, मतलब ये खुद में खुद होगा, नेचर के थ्रू होगा। ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर ओनली हम लोग बोलेंगे 10% जो नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है, ठीक है, 10% ऑफ नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। ठीक है, याद रखना है, वो हम लोग बोलेंगे, वो हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब
टोटल हम लोग बोलेंगे जो नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है, उसका हम लोग बोलेंगे 10% जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और 90% क्या होता है हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, याद रखना है ये वाला, ये 10% ही होता है, मतलब बहुत कम होता है। अब देखो, अब ये क्यों, मतलब एटमॉस्फेयर में ही क्या किया जा रहा है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया जा रहा है, मतलब अनयूजेबल फॉर्म को यूजेबल फॉर्म में चेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान से, इसका क्या मतलब है समझना है यहाँ पर, ये एटमॉस्फेयर में क्या होता है, आप लोग बोलेंगे जो मॉलिकुलर नाइट्रोजन होता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, ठीक है, वो क्या होता है हम लोग बोलेंगे, उसके बीच में क्या है, देखो ध्यान से, इसके बीच में क्या है, ट्रिपल, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, वो कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग बोलेंगे जब लाइटनिंग होता है ना, ठीक है, लाइटनिंग जब होता है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है लाइटनिंग होता है, ठीक है, वो लाइटनिंग की वजह से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, मतलब लाइट के प्रेजेंस में क्या होना, रिएक्शन होना, उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो उस टाइम पे ये जो मॉलिकुलर नाइट्रोजन होता है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो हम लोग बोलेंगे अनयूजेबल फॉर्म है ना, ये क्या चीज है, अनयूजेबल फॉर्म है, ये क्या चीज है, अनयूजेबल फॉर्म है, ये किसमें चेंज होता है, हम लोग बोलेंगे ये चेंज होता है यूजेबल फॉर्म में, चेंज हो जाता है एटमॉस्फेयर में ही चेंज हो जाता है, ठीक है, यूजेबल फॉर्म में चेंज होता है। और ये जो यूजेबल फॉर्म है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं NO3-, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, ठीक है। ध्यान से देखो, तो यहां पर मैंने क्या लिखा है कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो किसके थ्रू हो रहा है, हम लोग बोलेंगे वो लाइटनिंग के थ्रू हो रहा है, या हम लोग बोलेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू। फोटोकेमिकल रिएक्शन कैसा रिएक्शन होता है, ये वैसा रिएक्शन होता है जब हम लोग बोलेंगे कोई भी केमिकल रिएक्शन किसके थ्रू होगा, हम लोग बोलेंगे लाइट के थ्रू होगा, लाइट के प्रेजेंस में होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये लाइटनिंग की वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होता है, ये जो अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन वो किसमें चेंज हो जाता है, हम लोग बोलेंगे यूजेबल फॉर्म में चेंज हो जाता है। और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो यूजेबल फॉर्म होता है नाइट्रोजन का वो कौन होता है, हम लोग बोलेंगे वो होता है नाइट्रेट होता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर समझना है, ये जो नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये कैसा प्रोसेस है, ये रिडक्शन नहीं है, कैसा प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, याद रखना है। लेकिन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसा प्रोसेस था, हम लोग बोलेंगे रिडक्शन प्रोसेस था। लेकिन ये कैसा प्रोसेस है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कैसा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, तो ध्यान से देखो, अगर हम लोग बोलेंगे किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, क्या हो, हम लोग बोलेंगे एडिशन ऑफ अगर ऑक्सीजन हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, यहां पर क्या है, यहां पर नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन जुड़ा है, तभी तो ये नाइट्रोजन किसमें चेंज हुआ, नाइट्रेट में चेंज हुआ, मतलब यहां पर क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज, हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है, याद रखना है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो कैसा प्रोसेस है, वो रिडक्शन प्रोसेस भी है, ठीक है, जिसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी है जिसको हम लोग नॉन बायोलॉजिकल या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। और जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसमें क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे जो यूजेबल फॉर्म है वो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। और हम लोग बोलेंगे जो एटमॉस्फेरिक या नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसमें जो यूजेबल फॉर्म है वो क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे वो रहेगा नाइट्रेट, ठीक है, याद रखना है। और ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और ये बहुत कम होता है, कितना हम लोग बोलेंगे ओनली 10% होता है, ठीक है। टोटल नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन का ओनली 10% जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है या नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, याद रखना है। मैं यहां पर देखो ध्यान से लिखा हूं, मैं यहां पर क्या लिखा हूं, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ए रिडक्शन प्रोसेस, लेकिन ये रिडक्शन भी और क्या है, ऑक्सीडेशन भी। तो हम लोग इसको मोस्टली हम लोग जब स्टडी करते हैं तो हम लोग क्या चीज के बारे में स्टडी करते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में स्टडी करते हैं, इसीलिए यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, रिडक्शन प्रोसेस। लेकिन हम लोग याद रखना है कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी है। तो अगर स्टेटमेंट में, अगर एग्जाम के स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस दोनों होता है, तो याद रखना स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, रिडक्शन प्रोसेस है, और नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर आएगा कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस है या रिडक्शन प्रोसेस है, तो उसका आंसर क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे रिडक्शन प्रोसेस है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया नाइट्रोजन फिक्सेशन करके आ गया, तो याद रखना अगर वहां पर स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो याद रखना वहां पर जो स्टेटमेंट रहेगा उसमें क्या लिखा हुआ रहेगा, रिडक्शन प्रोसेस लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे था नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखो यहां पर आर्टिफिशियली भी हम लोग क्या कर सकते हैं, या सिंथेटिक प्रोसेस भी होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन,
इसको आर्टिफिशियली या सिंथेटिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, कहां हम लोग बोलेंगे लैब में, ठीक है। तो लैब में हम लोग बोलेंगे जिस प्रोसेस के थ्रू अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में चेंज किया था, उसको बोलते हैं हार्बर बोस प्रोसेस, ठीक है। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखना है। इसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इसमें हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट किया था, हम लोग बोलेंगे अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। मैं इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। किस प्रोसेस के थ्रू हम लोग बोलेंगे हार्बर बोस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, याद रखना। ये आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये कितना परसेंट होता है, तो ये ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ये हम लोग बोलेंगे 15-20% होता है, ठीक है। इसको हम लोग इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल क्या चीज, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोल सकते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे था क्लासिफिकेशन किसका, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। अब हम लोग देखेंगे डिटेल में, अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ डिटेल में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, कैसे होता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, और नाइट्रोजिनियस एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कैसे करके नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ये सब सारा का सारा हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है।